दोस्तों आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका विंडोज लाइफ टाइम के लिए फ्री में एक्टिवेट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब आप दिस पीसी या कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चेक करेंगे तो आपको विंडोज एक्टिवेशन का स्टेटस मिलेगा। यदि एक्टिवेट है तो विंडोज इज एक्टिवेटेड और यदि नहीं तो विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड या नॉट अवेलेबल मिलेगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपली गूगल क्रोम ओपन करें और यहाँ लिखे bit.ly/windows.txt, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर आपको इंटर प्रेस करना है। दोस्तों ये ट्रिक आप विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 किसी में भी यूज कर सकते हैं। अब आपको इसे कॉपी कर लेना है और डेस्कटॉप पे या कहीं भी न्यू डॉक्यूमेंट यानी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लें। इसका नाम आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं। चलिए मैं इसे विंडोज एक्टिवेटर रखता हूँ। इसे ओपन करके कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करें। इसके बाद इसे सेवेज करें और सेव करते समय .cmd लिख के सेव बटन पे प्रेस करें। अब आप इस फाइल को ओपन करें या डबल क्लिक करके रन करें। दोस्तों मैं यहाँ रन नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा विंडोज ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। रन करते ही दोस्तों कुछ सेकंड में आपका विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा। आपका विंडोज एक्टिवेट हुआ है कि नहीं आप यहाँ से फिर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।